गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो स्ट्रक्चर एनालिसिस सेकंड में लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वो था डिफ्लेक्शन और पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। हमने पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन अनसिमेट्रिकल बेंडिंग सेक्शन के लिए पोजीशन देख ली थी कि न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया था कि डिफ्लेक्शन कितना होता है अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में। व्हाट इज द इक्वेशन टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन इन अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। नाउ वी विल सी द शियर सेंटर एंड हाउ कैन वी फाइंड द पोजिशन ऑफ शियर सेंटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शियर सेंटर। शियर सेंटर इज ए पॉइंट फ्रॉम विच शियर सेंटर इज ए पॉइंट इज ए पॉइंट फ्रॉम विच ए पॉइंट फ्रॉम विच इफ ए लोड पासेज देन इफ अ लोड पासिस देन इफ ए लोड पासिस देन देयर विल बी ओनली बेंडिंग देयर विल बी ओनली देयर विल बी ओनली बेंडिंग एंड नो ट्विस्टिंग एंड नो ट्विस्टिंग दैट पॉइंट इज कॉल्ड अवर शियर सेंटर। शियर सेंटर क्या होता है देखो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं। जब भी हम इसेंट्रिक कनेक्शन की बात करते हैं मेन चीज तो यह है कि शियर सेंटर होता क्या है कि इसेंट्रिक कनेक्शन में हम देखते हैं कि मेंबर से कुछ दूरी पर लोड लगता है जहां पर रेजिस्ट हो रहा है। तो जिस डिस्टेंस पर वो दूर दूरी पर वो लोड लग रहा है और जहां पर वो पास हो रहा है जिस पॉइंट से वो जो डिस्टेंस है वो कहलाती है शियर सेंटर डिस्टेंस। और जो पॉइंट है जहां पर लोड इंपैक्ट कर रहा है वो पॉइंट कहलाता है हमारा शियर सेंटर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वॉट इज अ शियर सेंटर। सो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन फॉर शियर सेंटर। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से शियर सेंटर की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। तो चलिए एक हम एंगल सेक्शन का या बेंड का कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके थ्रू समझते हैं किस तरीके से शियर सेंटर फाइंड आउट किया जाता है। मान के चलिए आपको ये कोई सेक्शन दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। इसकी जो ओवरऑल लेंथ है डेप्थ है वो है 400। ये ओवरऑल है 400, ये लेग की जो डेप्थ है वो है 20 20 और ये बीच में जो है ये भी कितनी है ये भी 20 है, ठीक है। ये साइजेज हैं इसकी और जो फ्लेंज है विड्थ ऑफ फ्लेंज वो दे रखी है 200 mm। ये दे रखी है आपको 200 mm। यू कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस वेयर द शियर सेंटर अकर्स। हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जहां पर शियर सेंटर इंपैक्ट करेगा या जहां पर शियर सेंटर होगा वो डिस्टेंस हमें इससे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए शियर सेंटर फाइंड आउट करने का मतलब है कि आप इसको दो एक्सिस में डिवाइड कर लीजिए। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा क्या वाई एक्सिस और यहाँ पर ये सेंटर है इसका, ठीक है। मतलब इस सेक्शन के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर उसको रखें
कि वहां पर शियर सेंटर हो, तो वो डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, उसी डिस्टेंस को तो हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी, कि बॉडी के सीजी से कितनी डिस्टेंस पर लोड लग रहा है वो डिस्टेंस कहलाती है इसेंट्रिसिटी। मतलब हमको फाइंड करनी है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर्मूला 3 × WF अपॉन 6 + AW / AF। अब देखिए ये सब क्या है, इनकी बात करते हैं। डब्ल्यू एफ क्या है? डब्ल्यू एफ है विड्थ ऑफ फ्लेंज। ए डब्ल्यू क्या है? एरिया ऑफ वेब। ए एफ क्या है? एरिया ऑफ फ्लेंज। तो ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू एफ, डब्ल्यू एफ क्या है? विड्थ ऑफ फ्लेंज। फ्लेंज की विड्थ कितनी है? 200। तो कितना रख दूं? एम। ए डब्ल्यू एरिया ऑफ वेब, वेब का एरिया निकालना है। वेब का एरिया कितना होगा? 400 और बी सी ए कितना हो जाएगा? 8000 mm। एरिया ऑफ फ्लेंज 200 × 20 कितना हो जाएगा? 4000। अब यहां पर रख दो E इज इक्वल टू 3 × 200 / 6 + 8000 / 4000। यहां से आ जाएगा 75 mm। मतलब आपका जो शियर सेंटर होगा वो इस स्ट्रक्चरल एलिमेंट के सीजी से 75 mm की डिस्टेंस पर होगा। आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि जो शियर सेंटर होगा वो इस एलिमेंट की शेप के सीजी से, ये इसका सीजी है, ये पॉइंट, ये क्या है इसका सीजी है, इससे 75 mm। मतलब यहां से मैं यूं लिख दूं 75 mm, इतनी डिस्टेंस पे क्या कर रहा होगा? लोड लग रहा होगा ये इस तरीके से। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं इसी के साथ साथ, कि दूसरा तरीका क्या है इसका। चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं, अगर हमें दूसरे तरीके से निकालना आ जाए तो। दूसरा तरीका देखते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, चैनल सेक्शन के अकॉर्डिंग दूसरा फॉर्मूला लगा के देखते हैं। चलिए तो चैनल सेक्शन के लिए अगर ई की बात की जाए तो वो फॉर्मूला होता है B²H²T अपॉन 4IXX, 4IXX। अब देखो बी हमारे पास है, कितनी है बी? बी है हमारी 200, विड्थ दे रखी है, ये हमारी बी है, ये हमारी एच है और ये हमारी टी है, थिकनेस। ठीक है, तीनों चीजें दे रखी हैं, बी एच टी। क्या नहीं दे रखा है? नहीं दे रखा है वो एक ही चीज है, और वो है हमारे पास क्या, आई एक्स एक्स, जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, ये आई एक्स एक्स। तो आई एक्स एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। आई एक्स एक्स क्या होगा? आई प्लस AH² आई प्लस AH² मतलब इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया इनटू हाइट का स्क्वायर, जिसको बोलते हैं अपन
थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से आई एक्स एक्स निकलेगा हमारा, आई क्या होगा, ये होगा टी एच क्यूब बाई 12 प्लस 2 इंटू बी इंटू टी प्लस 2 इंटू बी इंटू टी इंटू, और h की जगह क्या रख देंगे, h बाई 2 का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू पुट कर दें सबकी, t कितना है 20 इंटू h कितना है 400 का क्यूब अपॉन 12 इंटू सॉरी प्लस 2 इंटू बी कितनी है 200 इंटू टी कितनी है 20 इंटू एच बाई 2 मतलब 400 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आई एक्स एक्स आ जाएगा हमारे पास, आई एक्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4.272 इंटू 10^8, ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया तो अब तो मैं ई निकाल सकता हूं बड़ी आसानी से, अब तो मैं ई निकाल सकता हूं, ई ये वाला ई कैसे, बी का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर मतलब एच कितना है 400 का स्क्वायर इंटू टी कितना है 20 अपॉन 4 इंटू आई एक्स एक्स की जगह कितना रख दूंगा 4.272 इंटू 10^8। तो यहां से हम किसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहां से हम इसेंट्रिसिटी डिस्टेंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं दोबारा से, दूसरा फॉर्मूला ही है ये, हम दूसरा फॉर्मूला यूज करके निकाल रहे हैं, है ना। तो देखो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 74.94 mm। तो ये 0.5 से ज्यादा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 75 mm। ये किसकी वैल्यू आ गई, ई की, ई मतलब इस सीजी से कितनी डिस्टेंस पे लगेगा 75 mm पे लगेगा, क्या यहाँ पर कोई लोड लगेगा और ये पॉइंट होगा हमारा शियर सेंटर। तो हम चाहे अपने जनरल तरीका जो अभी मैंने इससे पहले बताया उससे आप फाइंड आउट करो, या चाहे तो आप चैनल सेक्शन के अकॉर्डिंग जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं इसेंट्रिसिटी डिस्टेंस निकालने का, चाहे आप उसको यूज करो, दोनों ही फॉर्मूलों को यूज करने पर जो हमारी डिस्टेंस आएगी इसेंट्रिसिटी जो आएगी हमारी वो क्या आएगी, सेम आएगी। सो यू कैन इजिली फाइंड आउट द लोकेशन पोजिशन ऑफ शियर सेंटर। सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सीजी पॉइंट, ई इज डिफाइंड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम शियर सेंटर फ्रॉम सीजी। तो यहां पर जो लोड लगेगा तो ये हमें बताएगा कि सीजी से कितनी दूरी पर हमारा शियर सेंटर होगा। तो हमारे पास ई की वैल्यू आई 75, इसका मतलब इसके सीजी से 75 cm पर क्या होगा, हमारा शियर सेंटर होगा, वो हमारा मैक्सिमम शियर पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम शियर की डेफिनेशन प्लस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही इजी वे में। आपको ये फॉर्मूला याद रहता है ये वाला रखिए, या इससे पहले जो मैंने लिखा था 3 × BF / 6 + AW / AF, अगर आप वो वाला याद रख सकते हैं तो वो वाला याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली ये है कि आप शियर सेंटर की कैलकुलेशन पोजिशन बता सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।